एलएसी बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प के बीच 20 जवान शहीद हो गए, जिसके लिए बिहार के हाजीपुर के वैशाली प्रखंड में हिंदू पुत्र संगठन के सदस्यों की ओर से शहीदों के श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं इस कैंडल मार्च में सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए है। वैशाली प्रखंड के चकलदाद पंचायत में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू पुत्र संगठन के सदस्यों की ओर से बीते दिनों गलवान स्थित एलएसी बॉर्डर पर हुए चीनी सैनिकों ने अपनी दोगलई रवैये से भारतीय जवानों के साथ योजनाबद्ध तरीकों से झड़प किया, जिसमें मां धरती के 20 सपूतों ने वीर गति को प्राप्त हो गए। उन शहीद वीरों के सम्मान में श्रद्धांजलि रूपी कैंडल मार्च निकाला गया, साथ में सैकड़ों देश युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय नारों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। साथ ही हमारे देश प्रेमियों ने चीन के प्रति कड़ी विरोध जताते हुए लोगों को चाइनीज वस्तुओं को बहिष्कार करने का संदेश भी दिया। अमर जवान का ये संदेशिक प्रतिमा ब्रजमोहन कुमार कृष्णा की ओर से नदी के बालू से छायाकृति किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में सफल आयोजन को सफल बनाने में दिग्विजय नारायण, राजू कुमार कुशवाहा, शंभु कुमार राय आदि सैकड़ों युवाओं का सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।